मीनाक्षी सुंदरम जी जिन्होंने इस पूरे उसमें भाग लिया, विनय शंकर पांडे जी, उद्योग सचिव श्री प्राग मधुकर धकाते जी, हमारे पवन जी जिन्होंने बहुत लंबे समय से उद्योग जगत को लगातार ऊर्जा दी है, आप जैसे सफल उद्यमियों ने, हमारे यादव जी जिनका एक बड़ा अनुभव उद्योग के क्षेत्र में रहा है, श्री पंकज जी, हरेन भाई जो हमारे साथ पूरे उसमें गए थे कई सारे स्थानों पर, हमारे सभी अधिकारीगण, सभी उद्योग समूह से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, और आज बहुत सारे हमारे ऐसे भी नवोदित उदयमान अधिकारी भी हैं जो कार्मिक भी हैं जिनको उद्योग विभाग में अपनी सेवाएं देनी है, उनका भी आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र जिनको दिए जाने थे, मैं तो चाहता था कि उन सभी को अपने हाथ से ही नियुक्ति पत्र दूं, लेकिन कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आज उनके लिए भी एक बड़ा दिन है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मीडिया के मेरे मित्र, सभी पत्रकार भाइयों, छायाकार बंधुओं एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि पहले दिन जब हमने, क्योंकि मेरी भी उस समय इस दायित्व में शुरुआत हो रही थी और आप सब लोगों को हमने आमंत्रित किया, आपके साथ संवाद स्थापित किया और जब हमने आपको ब्रांड एम्बेसडर की संज्ञा दी, मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि आप सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने ब्रांड एम्बेसडर से भी बढ़कर काम किया है, माने शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी हमने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उद्योग जगत को यहाँ आमंत्रित करने के लिए, निवेश को आमंत्रित करने के लिए जितने सारे हमने प्रयास किए, उन सभी प्रयासों को आप सब लोगों ने भी आगे बढ़ाने का काम किया, छोटी मोटी अगर कोई कमी भी होगी तो उस कमी को छिपाने का भी काम किया, और सच बताऊं तो मैं बहुत हृदय से आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम केवल सरकार का है, आप सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, इसमें से मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा कि ये काम हमारा है, उसी का परिणाम हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, और वास्तव में मैंने जब शुरू में कहा पहले दिन की 2.5 लाख करोड़ का हम MOU करेंगे पवन जी, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि अरे आप तो हमेशा कम बोलते हैं और बोलने पर कम और करने पर ज़्यादा विश्वास रहता है आपका, लेकिन आपके मुंह से कैसे निकल गया ये 2.5 लाख करोड़, ये कहीं गलत ना हो जाए इसलिए इसको सुधार लीजिए। मैंने कहा आप तो निकल गया जी, अब कैसे सुधारें जब मुंह से निकल ही गया है, तो कोशिश करेंगे कि अब जो निकल गया है उसको पूरा करें। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों की शुभकामनाओं से एक बड़ा लक्ष्य हमको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ जैसा पहले ये होता था कि वास्तव में ये MOU तो हो ही जाते थे और अंतिम दिन MOU भरमार होते थे, MOU की भरमार पवन जी, और कुछ जो है टारगेट पूरा करने के लिए भी वो भी MOU हो जाते थे, लेकिन इस बार हमने कहा कि ये एक साथ नहीं करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे हमने दिल्ली में पहली बार मीटिंग करी तो लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा के MOU हमारे उसी दिन हो गए, उसके बाद हम लंदन गए तो वहाँ भी 15,000 करोड़ के आसपास के वहाँ हो गए, फिर लौट कर आए हम विभिन्न विभिन्न शहरों में गए, दुबई में गए, वहाँ भी एक बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे साथ किया, अहमदाबाद में किया, चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में, फिर दोबारा फिर कुछ कम पड़ गया, मतलब लोगों ने कहा कि हम अभी एक बार और करना चाहते हैं, फिर से हम दिल्ली गए। इस दौरान अन्य परेशानियां भी लगी रही, बीच में आपको पता है सिलकेरा टनल का प्रकरण भी आ गया और सिलकेरा का रेस्क्यू भी बड़ा महत्वपूर्ण था,
अब बड़ी मुश्किल थी कि अब ये सिलकेरा टनल का रेस्क्यू अभियान कैसे पूरा हो। डेली भगवान से मैं प्रार्थना करता था, वहीं से कार्यालय चलता था, वहीं से रोज कहीं होता भी था तो फिर मैं शाम को वहीं चला जाता था। बड़ी मन में मैं सोच रहा था कि भगवान ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, क्या हो रहा है। और बीच में एक हमारा आपदा प्रबंधन का भी बड़ा जो विश्व स्तरीय सम्मेलन था वो भी देहरादून में हो रहा था, जिसमें चर्चा वार्ता तमाम प्रकार से होनी थी और बहुत नज़दीक डेट आ गई। आप देखिए कि 28-29 तारीख को, 28 तारीख को हम बिल्कुल टनल के अंदर थे और 8 दिसंबर को हमारा ये कार्यक्रम होना था। कि अब लोगों को लग रहा था कि जो है कि क्या करें, ये इन्वेस्टर समिट अब जो है टालनी तो नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि जिस दिन, पहले दिन हम लोग इन्वेस्टर, वो जो हमारा आपदा प्रबंधन का जो कार्यक्रम था, उस आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं वहाँ सिलकेरा से देहरादून आया। देहरादून में उसका उद्घाटन सत्र हुआ और उद्घाटन सत्र पूरा ही होने वाला था कि वहाँ से फोन आ गया कि अब जो है हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, ब्रेक थ्रू होने वाला है, यानी टनल आर पार होने वाली है। और कुछ लोगों ने, हमारे उत्साही मित्रों ने तो चला भी दिया कि टनल आर पार हो गई। तो हम भी जल्दी जल्दी यहाँ से गए, फिर कुछ कार्यक्रम पहले थे तो हम भी 3 बजे वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो टनल आर पार हुई नहीं थी, मतलब वो पाइप अंदर नहीं गया था। विनय शंकर पांडे जी भी मेरे साथ थे तो मैंने कहा पांडे जी ये तो गड़बड़ हो गई, और सब जगह समाचार चला गया पूरे दुनिया में कि टनल जो है वो